नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है मूल अधिकार के अंतर्गत ही जो है ये देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार जो है देखा। आज हम लोग जो है शेष बचे हुए जो है मूल अधिकारों को जो है देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तीसरा जो मूल अधिकार है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मूल अधिकार क्या है, अभी तक इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा जो है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम लोग जो है चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो अनुच्छेद 23 यह कहता है कि मानव दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूरी और बलाश्रम ये सब जो है इसमें प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार यानी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। तस्करी का मतलब है कि ये जो है मानव को खरीद करके, आदमी को खरीद करके जो है उसे बेचना जो है, ठीक है, उसे जो है बंधक बना करके उसे जो है तस्करी कर मतलब बेचना जो है। उसके बाद जो है बेगारी, काम करा करके किसी व्यक्ति को काम करा करके उसे मजदूरी न देना। बधुआ मजदूरी यानी उसे जबरदस्ती काम कराना, ये सारा जो है किसमें आएगा, मानव दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बधुआ मजदूरी ये सब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद जो है 23 जो है अनुच्छेद 23 में। इसमें जो है मानव जो है दुर्व्यवहार जो है एवं बलात्श्रम पर रोक लगा है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम यानी हम किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो जो है अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर रोक लगाता है। जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। जो है मानव दुर्व्यवहार यानी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तस्करी यानी मानव को खरीद करके जो है तस्करी उसका नहीं करेंगे। जो है बेगारी, किसी मानव से बेगारी नहीं करा सकते हैं। बधुआ मजदूरी जो है किसी को बंधक बना करके मजदूरी, लेकिन ये पहले काफ़ी प्रचलित था, लेकिन संविधान में ये जो है इस चीज़ का जो है निषेध किया गया, इसको मना किया गया। बलाश्रम यानी जबरदस्ती हम किसी से श्रम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 23-2 ये कहता है, अनुच्छेद 23-2 कहता है कि राष्ट्रीय हित एवं आपातकाल में यह कराए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत जो पहला अनुच्छेद है 23, उसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, अब ये इसमें होता क्या है, जैसे मानव दुर्व्यवहार, तस्करी की जाती है मानव की, बेगारी कराई जाती है, बधुआ मजदूरी कराई जाती है, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23। क्लियर, अनुच्छेद 23-2 ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय हित हो या आपातकाल लागू हो तो ये राष्ट्रहित के परिप्रेक्ष्य में कराए जा सकते हैं। 23 जो है मानव दुर्व्यवहार या बलाश्रम पर रोक लगाता है, लेकिन 23-2 कहता है कि अगर राष्ट्रीय हित हो तो या आपातकाल लागू हो तो ये चीजें जो है कराई जा सकती हैं कानूनन। ठीक है, तो हम लोग देखें अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला अनुच्छेद 23 जिसमें जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, जैसे ये एक चीज और देख लेते हैं, जैसे तस्करी जो होता है इसमें ज़्यादातर जो है छोटी छोटी बच्चियों को उठा करके जो है उनका जो है उनको बेच दिया जाता है, और बेच करके जो है हम देखते हैं कि जो है वेश्यावृत्ति कराई जाती है, जो समाज में एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो है ये समस्या है। ठीक है, लेकिन इस पर कानूनन जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 24 देखते हैं। तो अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम का निषेध, यानी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आपको ये समझना है कि बाल श्रम क्या होता है। तो 14 वर्ष से आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से आयु के बच्चे बाल श्रम में आते हैं, 14 वर्ष से आयु के बच्चे बाल श्रम में आते हैं और उनके काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जो है जो बाल श्रम क्या है, तो 14 वर्ष से आयु के कम बच्चों को बाल श्रम कहा जाता है। अब ये प्रतिबंध कहाँ है, तो जो है कारखानों में जहाँ खतरनाक काम है,
ठीक है, बच्चों के लिए जो है खतरा है, वैसे काम पर प्रतिबंध, वैसे कारखानों में बाल श्रम पर प्रतिबंध है, खदानों में जैसे कोयले की खदान है या तमाम जो है खदानें हैं जहाँ खतरनाक जो है घटनाएं घट जाती हैं, वहाँ भी जो है बच्चों के जो बाल श्रम है वहाँ पर भी प्रतिबंध है। खतरनाक काम जैसे पटाखा उद्योग है, पटाखा उद्योग में भी जो है खतरनाक उद्योग के अंतर्गत आता है, तो बच्चों को वहाँ भी जो है निषेध किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो हम लोग जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत जो है दो चीज़ें देखें, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, और अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान में मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, और जो है ये 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अब अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 को हम क्रम से देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 25 जो है ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण धार्मिक कार्य, रीति रिवाज, धार्मिक प्रचार प्रसार जो है इसकी स्वतंत्रता है। अंतःकरण अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है हम अपने मन से व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं व्यक्तिगत रूप से। हमारा दिल जो भी कहता है, हमारा मन जो भी कहता है, उस धर्म को हम व्यक्तिगत रूप से हमारे मन में जो बात है हम उसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण में जैसे धार्मिक कोई काम है, ठीक है, रिवाज है, रीति रिवाज, धार्मिक प्रचार है व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर नहीं, और जो है ये सब किस में आते हैं, अंतःकरण में। अब इसी में जैसे सिख लोग कृपाण धारण करते हैं, जो है महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो है हिजाब धारण करती हैं, और हिंदू महिलाएं जो है सिंदूर लगाती हैं, ये सब जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो ये तीन बातें, कृपाण, हिजाब और सिंदूर, ये आपको याद रखना है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। हम कोई भी रीति रिवाज फॉलो कर सकते हैं, हम कोई धर्म के कार्य जो है कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, ये आता है जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये जो है देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसमें जो हम किसी धर्म की स्थापना कर सकते हैं, उसकी जो है उसके लिए संपत्ति जो है बना सकते हैं, और उसे जो है उस हिसाब से हम खर्च कर सकते हैं। तो ये जो है जो अनुच्छेद 26 है ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 26 क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है आता है, जो है इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। क्लियर। अब आते हैं अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों के हेतु जो धन जमा होता है वो जो है टैक्स फ्री होता है, यानी धार्मिक कार्यों से संबंधित जो संपत्ति होती है, जो धन होता है, वो टैक्स फ्री होता है, यानी उस पर सरकार कर नहीं लगाती, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 कहता है कि अगर कोई सरकारी खर्चे से संस्थान चल रहा है तो उसमें जो है किसी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक खर्च से अगर कोई संस्थान संचालित हो रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। क्लियर। तो हम लोग जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 के विषय में देखें, अनुच्छेद 25 जो है ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों हेतु जो जमा धन होता है वो जो है टैक्स फ्री होता है, और 28 सरकारी जो है पैसे से संचालित कोई भी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में ये अनुच्छेद 25 से 28 के विषय में चर्चा किए। अब हम देखते हैं जो है पांचवा मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद जो है 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। देखिए अल्पसंख्यक किसे कहते हैं पहले ये याद रखिए। तो भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की संज्ञा दी जाती है, यानी अल्पसंख्यक के बनने के, अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आने के लिए दो आधार हैं,
पहला भाषा और दूसरा धर्म। इसी आधार पर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। अल्पसंख्यक किसे कहा जाएगा, तो उसके दो आधार हैं, पहला भाषा और दूसरा धर्म के आधार पर। अब हम अल्पसंख्यकों के हितों, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, जो पाँचवा मूल अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अब आप सोचते होंगे कि कैसा अल्पसंख्यकों का किस प्रकार का हित, तो पहला है जो है उनकी संस्कृति, यानी उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे। दूसरा भाषा, उनकी भाषा सुरक्षित रहे। तीसरा लिपि। चौथा धर्म, जाति। ये जो है इसको सुरक्षित रखा जाएगा, यानी ये जो है किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की गई है, जो किस किस आधार पर, तो संस्कृति के आधार पर हित, उनके हित जो है साधने का प्रयास किया जाएगा। भाषा के आधार, भाषा पर जो है, लिपि के आधार पर, धर्म एवं जाति के आधार पर, और इस आधार पर अल्पसंख्यकों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 जो है संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म एवं जाति जो है इस आधार पर जो है उन्हें जो है शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, और इन जो संस्कृति भाषा लिपि का संरक्षण किया जाएगा। क्लियर। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, यानी अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जो है जाति को सुरक्षित रखने के लिए अल्पसंख्यक जो है एक संस्थापना संस्थान खोल सकते हैं। और अल्पसंख्यकों को जो संस्थान खोलते हैं उसमें सरकार भी उन्हें धन उपलब्ध कराती है, जैसे तमाम संस्कृत विद्यालय खुले हैं, मदरसा खुले हैं। तो हम देखते हैं कि जो है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, जो कि संस्कृति एवं भाषा लिपि आधार पर रक्षा की जाती है। और अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं और सरकार भी उन्हें धन उपलब्ध कराती है, जैसे संस्कृत विद्यालय, मदरसा इत्यादि। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है पांच जो है मूल अधिकारों के विषय में चर्चा किए हैं, जो है छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फालकम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।